रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। स्टार्टअप इंडिया में बिहार लीडर बन गया है। जी हाँ, 2019 के स्टार्टअप इंडिया की रैंकिंग में बिहार ने बाजी मार ली है। स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने में बिहार आगे हो गया है। 5 कैटेगरी के मानकों के आधार पर की गई रैंकिंग में बिहार स्टार्टअप लीडर बन गया है। गुजरात बेस्ट परफॉर्मर के रूप में नंबर 1 बनकर उभरा है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्टअप इंडिया की नेशनल रैंकिंग जारी कर दी गई है। स्टार्टअप इंडिया के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने वाले राज्यों की परख करने के बाद 2019 की रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में ये देखा गया है कि स्टार्टअप के तहत कितनी कंपनियां किस राज्य में काम कर रही हैं, उसके लिए राज्यों के द्वारा कंपनियों के लिए कितनी सुविधाजनक माहौल तैयार किया गया है। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग तैयार करने के लिए कुल 7 मानक तय किए गए थे। स्टार्टअप कंपनियों को शुरू करने के लिए आसान नियम, वेंचर फंडिंग सुविधा, संस्थागत सहायता, सरकारी खरीद में छूट, सीड फंडिंग, इंक्यूबेशन मदद जैसी चीजें शामिल की गई थी। इस रैंकिंग में 22 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। वहीं ये भी बताया गया कि भारत में 36,000 पंजीकृत स्टार्टअप कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से शुक्रवार को 2019 स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग जारी की गई। कर्नाटक और केरल को टॉप परफॉर्मर्स घोषित किया गया और लीडर कैटेगरी में बिहार टॉप पर रहा। राजस्थान, चंडीगढ़, उड़ीसा व महाराष्ट्र लीडर कैटेगरी में शामिल रहे। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल देने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां पर 36,000 पंजीकृत स्टार्टअप कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं। स्टार्टअप की रैंकिंग जारी करने के लिए 5 कैटेगरी बनाए गए थे, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर लीडर, एस्पायरिंग लीडर और इमर्जिंग स्टार जैसे कैटेगरी के तहत राज्यों का चुनाव किया गया। बेस्ट परफॉर्मर में जहां लगातार गुजरात पहले नंबर पर रहा, वहीं टॉप परफॉर्मर में कर्नाटक और केरल ने अपना स्थान बनाया। लीडर कैटेगरी में बिहार जहां शीर्ष पर रहा, तो वहीं महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ ने भी अपना स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की। स्पायरिंग लीडर कैटेगरी में तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड और नागालैंड को रखा गया, तो वहीं इमर्जिंग स्टार इकोसिस्टम की कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम ने अपना स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।